नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं, इंशाल्लाह उसे सुनने के बाद आप सभी को मालूम हो जाएगा कि जो ये कोरोना वायरस आजकल पूरी दुनिया में फैला हुआ है, आखिर ये क्यों फैला। तो आइए नाज़रीन, हम आपको बताते हैं। नाज़रीन, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी किसी कौम में बेशर्मी आम हो जाती है और लोग सरेआम गुनाह करते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला उन कौमों पर ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसी मुसीबत देता है जो उन इंसानों के पूर्वजों अकारों ने कभी नहीं सुनी होगी। नाज़रीन, आज हमारी दुनिया पर ऐसा ही वायरस, कोरोना वायरस नामी जो वायरस फैला है, ये कहीं ना कहीं हम इंसानों की भूल है, हमारी गुनाहों का नतीजा है जो आज ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ज़रूर इसके पीछे अल्लाह तबारक व ताला की नाराज़गी है। नाज़रीन, ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसानों के पूर्वजों ने कभी भी नहीं सोची होगी कि ऐसी बीमारी भी कभी दुनिया में आ सकती है। लोगों की नफ्स की ख्वाहिशातें पूरी करने के लिए जीना आम होना, बड़ों का एहतराम इज्जत नहीं करना, कहीं ना कहीं ऐसी गलती हुई है और ऐसी गलती हो रही है, इसलिए अल्लाह तबारक व ताला सभी बंदों पर ये अजाब नाजिल कर रहा है। ये वक्त अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करने का है, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करने का है, अल्लाह तबारक व ताला से तौबा करने का वक्त है। नाज़रीन, आज के दौर में अल्लाह तबारक व ताला ने हमें अपने घर से दूर कर दिया है, ये अल्लाह तबारक व ताला की सबसे बड़ी नाराज़गी है। नाज़रीन, अभी एक दर खुला है, वो दर तौबा का है। तौबा कीजिए, अस्तगफार कीजिए और अल्लाह तबारक व ताला से इस बीमारी के लिए दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह वो गफूरुर रहीम है, वो सत्तारुर रहमान है, वो हमारी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है, जो कोई भी इस बीमारी में मुब्तिला है उसे अल्लाह तबारक व ताला शिफाए कामिल अता फरमाएं और हम सबको इस बीमारी से महफूज रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नाज़रीन, इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए नाज़रीन, मिलते हैं इंशाल्लाह को नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।